अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो आज मैंने अपनी दुकान की तैयारी कर रहा था, तो अभी मैंने अपना सामान वगैरह सामने सारा रख लिया, तो अभी बाहर की सफाई करने ही वाला था, तो मैंने देखा बाहर चूजों वाला फिर रहा है, तो मैंने उससे ले लिया ये 5 छोटे छोटे से चूजे। तो उसने कहा है कि ये मिस्री चूजे हैं, तो मुझे भी मिस्री लग रहे हैं, क्योंकि इनके बाल वगैरह ना वो वाइट नहीं है, ब्लैक एंड इस तरह के ब्राउन, तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट से चूजे हैं, तो मैंने ये ले लिए। तो अब इंशाल्लाह इनका ख्याल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो कोशिश करते हैं पालने की। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे लोग आगे आएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या प्रोग्रेस है इनकी। तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट से लग रहे हैं, तो आपको अभी सिनेमैटिक शॉट्स में दिखाता हूँ, बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे। तो बहुत ज़्यादा प्यारे चूजे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट से लग रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था इनका, पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा रखे हैं, तो काफ़ी सालों के बाद दोबारा मैं क्या रख लेता हूँ, क्योंकि ये मिस्री चूजे थे, तो इंशाल्लाह इनकी खूब हिफाजत करेंगे। तो अभी इनके लिए एक घर चाहिए मुझे, एक डब्बा लेके आते हैं जो कि होता है वो गत्ते का, तो सामने दुकान है वहाँ से मेरा ख्याल मिल जाएगा, तो वहाँ से गत्ता लेके आते हैं, तो वहाँ पर इन्हें रखते हैं और इन्हें पानी वगैरह डालते हैं थोड़ा सा, ताकि ये पानी वगैरह भी पी लें। तो ये अभी बहुत ज़्यादा छोटे से हैं, आपको भी नज़र आ रहे होंगे, तो अल्लाह इनकी लंबी लंबी उम्र करे, तो मैं इन्हें बड़ा होता देखना चाहता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे से हैं, क्यूट से, तो देखे कैसे खा रहे हैं, तो देखे ये देखो कितना प्यारा क्यूट से चूजे, क्यूट ये देखो। तो इनके कलर्स अभी नहीं पता कैसे कलर्स हैं, जब बड़े होंगे फिर पता चलेगा। तो ये पता नहीं रंग ही हैं कि ये, बस वक्त ही बताएगा कि बाकी मिस्री हैं कि क्या है, तो ऊपर कलर किया है क्या किया। तो ये मुझे लग रहा है मिक्सी काम चल रहा है, तो दो के मेरे ख्याल दूसरे डाल दिए उसने, तो एक दो उसने मेरे ख्याल मिस्री डाले हैं, कि पता नहीं मिक्स है क्या है, बड़े होंगे तब पता चलेगा, कहा तो उसने मिस्री है लेकिन अल्लाह जाने क्या है। तो अभी इनके लिए डब्बा ले करते हैं, जो भी होंगे मैं तो पालूंगा इंशाल्लाह ताला। चूज़ों के लिए डब्बा जो है वो मैंने ले लिया, तो इतना बड़ा सा डब्बा ले लिया, तो इन्हें डालते हैं अब अल्लाह खाया करे, तो इनकी हिफाजत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी इनकी केयर, क्योंकि मैं अभी काम में मसरूफ़ भी रहता हूँ और यहाँ से सूखी जगह देख कर रख रहा हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा काम में भी मसरूफ़ रहता हूँ, तो इनके भी हिफाजत करनी पड़ेगी, तो इनके लिए दाना भी लेना पड़ेगा। तो अभी ये पानी पी लें, तो गर्म पानी देना पड़ेगा इन्हें, तो अभी इन्हें उठा के डब्बे में रख देते हैं। ये एक चूजा है, तो अभी देखते हैं कौन सी नस्ल है, लग तो मिस्री है, गोल्डन सा है, तो आप बताइएगा कि कौन सी नस्ल है ये, मुझे नहीं पता। ये किधर उधर गया तू, आजा बोल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चलो ये देखे खा रहे पी रहे हैं, यहाँ से पता नहीं क्या ढूंढी जा रहे हैं यहाँ से। तो ये भी आ गया, ये मुझे लग रहा है सिंपल सा चूजा है, क्योंकि इसके ये पर है ना जो वाइट से हैं, तो मिक्सी काम है। ये जो है चूजा, ये थोड़ा सा मिस्ट्री टाइप लग रहा है, क्योंकि इसके जो पर है ना वो ब्लैक एंड वाइट है। ये भी चूजा हाँ मिस्री है, तो ये कोई मिक्स काम लग रहा है, अभी बड़े होंगे फिर पता चलेगा। तो वैसे मिस्री चूजे के सुना है कि लाइफ जो है अच्छी होती है, ये ज़्यादा होते हैं कि मजबूत होते हैं, ताकि ये जल्दी मरते नहीं हैं। ज़्यादातर जो कारोबारी हज़रात हैं वो मिस्री चूज़ों का इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए, जो मैंने सुना है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा और ना कोई तजर्बा है, तो वैसे सुना था, तो मिस्री देख के मैंने ले लिया, क्योंकि मिस्री मैंने पहले दो मुर्गियाँ और एक मुर्गा रखा हुआ था, तो अभी ये पता नहीं सारे मुर्गे हैं कि मुर्गियाँ, कुछ नहीं पता, पता चलेगा इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं ये। तो अभी चूज़ों को उसने कहा चूज़ों वाले ने कि पानी देना है नॉर्मल कोसा सा करके, ठंडा पानी नहीं देना, तो अभी उन्हें पानी थोड़ा सा देते हैं, और अभी घर बाजरा भी नहीं पड़ा हुआ, तो देखेंगे कि अभी क्या डालते हैं उन्हें।
फिर मैं पानी गर्म करके ना हल्का सा छोड़ा था तो वो नहीं देता हूँ, तो मैं बर्तन ढूंढ रहा हूँ कौन सा लेना है, तो उस बर्तन पे फिर मैं उसे पानी दे दूंगा। ये वाली नमकदानी है, ये नहीं देते, ढक्कन ढक्कन में देते, मेरा ख्याल पानी कोई ढक्कन लेके ना, हाँ उस पे देता हूँ पानी। ढक्कन जो है वो भी मिल गया, तो इस ढक्कन में पानी डालते हैं, इसे धोते हैं, फिर पानी डाल के गर्म करके देते हैं। ओवर में गर्म कर लेते हैं पानी, थोड़ा सा पानी है। पानी मेरे ख्याल से कसा सा गर्म हो ही गया होगा, हाँ बस ठीक है, इतने गर्म चाहिए था। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनकी केयर करूं कि अपनी दुकान जो है वो खोलूं, तो अभी मैं सोच रहा था कि इन्हें बाजरा वगैरह भी डाल दूं, तो फिर ये डब्बे में बैठे रहेंगे खाते रहेंगे और मैं बाहर दुकानदारी कर लूंगा। बाजरा सामने से पता किया है तो वहाँ से तो मिला नहीं है, अली की दुकान बंद है, तो देखते हैं क्या करना है इनका, देखते हैं अभी सोचता हूँ मैं क्या करना है। तो अभी मैंने चूज़ों को अंदर शिफ्ट कर दिया कमरे में, ताकि बाहर जो है कोई बिल्ली वगैरह ना आ जाए और ना कोई पाउंड नहीं नीचे देते, तो मैंने यहाँ पे ऊपर बेड के ऊपर रख दिए हैं चूजे, तो इनके लिए मैं अभी बाजरा जो है वो लेने जा रहा हूँ बाजार से, तो बाजरा लेके आके इनके डाल के फिर मैं इंशाल्लाह दुकान को ओपन कर लूँगा, तो इंशाल्लाह ताला फिर ये खाते रहेंगे। चूजों के लिए जो बाजरा है वो भी मैं लेके आ गया हूँ, तो अभी उन्हें डालते हैं, तो मेरी दुकान खोलने का भी टाइम हो रहा है तो वो भी खोलते हैं, तो पहले मैं बाजरा उनको डाल दूँ, तो आपको दिखाता हूँ किस तरह वो इकट्ठे हो गए एक जगह खड़े हैं ग्रुप बना के, तो बड़े प्यारे से लगते हैं, तो मैं अभी उन्हें डाल दूँ ये बाजरा। तो मैंने एक और उसी तरह का ढक्कन ले लिया, तो उसमें इतना सा बाजरा डाल दिया, तो काफ़ी है इतना सारा बाजरा। तो उस बंदे ने कहा था चूज़ों वालों ने कि इसे इन्हें सुबह देना है और शाम को देना है, तो अब शाम हो गई है तो देते हैं, तो ये आपको दिखाना था किस तरह ये एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे होकर खड़े हैं पानी के ऊपर, पानी थोड़ा सा है ना वो कोसा सा गर्म है, तो उसके ऊपर खड़े हो गए जाके, तो अभी इन्हें बाजरा डाल देते हैं, अभी देखते हैं खाते हैं कि नहीं खाते। तो अभी उन्हें तो सारा कुछ डाल दिया, तो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह ताला बाहर निकलते हैं, और सामान वगैरह यहाँ पे रेडी पड़ा है मेरा सारा, तो बाहर बस निकालना रहता है, तो निकालते हैं और अपनी शुरुआत करते हैं आज के दिन की। बाहर जो है मैंने अभी पानी जो है वो छिड़का दिया है, तो यहाँ से गीला गीला आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर आज हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से जो कागज़ वगैरह है छापर वगैरह ना, तो वो उड़ के हमारे घर के सामने आ जाते हैं, तो मैंने सुबह सफाई भी की थी वहाँ पर इकट्ठे किए थे, तो दोबारा फिर छापर वगैरह यहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो मैंने पानी छिड़का दिया तो ताकि मिट्टी ना उड़े और छापर भी ना उड़े यहाँ पे जो पड़े, तो यहाँ पे अभी पड़े रहेंगे इतना टाइम है नहीं सफाई करूँ, बस अभी दुकान निकालने का टाइम हो रहा है मेरा। अभी मैं यहाँ आके बैठ तो गया हूँ, लेकिन मक्खियाँ यहाँ पे ना आप देख सकते हैं इतना ज्यादा तंग किया हुआ है ना मक्खियों ने, तो वैसे तो मैंने सारा सामान ढक के रखा हुआ, लेकिन मक्खियाँ फिर भी है ना यहाँ पे काफी ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं,
तो जिसकी वजह से कस्टमर थोड़ा सा परेशान तो होता है, लेकिन वो चीजें डकी देखे तो वो कहता नहीं काम ठीक है। मैं यहाँ पे शराब लगा के बैठा हूँ और यहाँ पे बच्चे जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, तो वो देखो जो हमारे नबी भाई शाम के टाइम हो गया, अंधेरा भी हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ बल्ब चला ही लूँ। तो ये इसका होल्डर है, यहाँ पे काफी दिन हो गए मैंने व्लॉग जो है, तो वो मेरा पिछला भी एक बड़ा एडिट करने वाला, तो वो भी नहीं एडिट किया, तो आज उसे भी एडिट कर लेंगे। तो फिलहाल बल्ब ये लग गया, तो वहाँ पे होल्डर पे बल्ब लगाना है अभी जाके। हेलो, और कितना ग्रुप बना खड़े, तीन इधर खड़े, दो उधर खड़े, क्या वो बाजरा माशाल्लाह खा गए? तो ये पड़ा है मेरा बल्ब, माशाल्लाह बाजरा भी सारा खा गए हैं, पानी भी पी गए, और पहले मैं देखा था तीन इधर खड़े थे तो दो उधर खड़े थे। जी जी हाथ जाएगा, नहीं जाना मेरा, जाना अभी तकरीबन 7:15 हुए हैं, तो मैं आ गया घर, मनी को बिठा दिया शॉप पे, क्योंकि चिकन जो है वो कम हो गया था, तो मेरे पास मैरिनेट किया हुआ पड़ा है, तो मैं उसे भूनने लगा हूँ, तो उसे भून लेते हैं। आयल यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो ये मेरा चिकन है जो मैरिनेशन पे पड़ा था, तो इसे निकाल लेते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते क्योंकि रात तो हो गई है। वैसे इन्हें भी मैंने पानी वगैरह डाल दिया दोबारा से, तो दाने मैं नहीं डालूंगा अब, माशाल्लाह सारे खा गए हैं, तो अब मैं नहीं डालूंगा, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह तारा इन्हें डालूंगा दाने, तो अब ये सो जाएं रेस्ट करें। अभी तकरीबन 10 बज गए, तो शॉप भी मैंने अभी बंद कर दी, तो अभी खाते हैं खाना और चीजों को देखते हैं कि अभी पति वो सो गए कि नहीं सो गए, तो अभी खाना खा लूंगा। पहले खाने में आज पत्नी ने क्या बना है, क्या बना है, दाल बनी हुई है, तो अभी मैं दाल खाता हूँ, खाना खाते हैं बैठ के। तो ये सारा सामान यहाँ पे रख दिया था आगे, तो ये सुबह तो देंगे। किस तरह सो रहे हैं यहाँ पे बैठे यार, एक दूसरे के बीच में घुस के ये सो रहे थे, अब मैंने जगा दिया, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो गए अभी मैं अपने रूम में आ गया हूँ, तकरीबन 11 बज रहे हैं, तो मुझे नींद भी आ रही है, तो अभी मैंने अपना जो व्लॉग है वो भी एडिट करना है, तो ये वाला नहीं, इससे पहले वाला व्लॉग है वो एडिट करना है, और जो चूजे थे वो भी अब रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो मैंने उसे अच्छे से डब्बे को बंद करके तो साइड पे कर दिया, ताकि अंधेरा हो और वो सुकून से सो सके। तो काफी ज्यादा प्यारे मुझे लग रहे हैं, तो छोटे छोटे से आए थे से। अभी मैं अपना जो व्लॉग है वो एडिट कर लूं, इसलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।